नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। खबर है वाराणसी से। पेड़िया मंडी में बनाए गए स्ट्रांग रूम के अलावा खाद्य गोदाम में बने स्टोरेज से ईवीएम यूपी कॉलेज जाते वक्त मंगलवार को सपा कार्यकर्ताओं ने रोककर बवाल काटा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि बवाल किस चीज पे कटा, क्या ऐसा हुआ कि लोग सड़कों पर उतर आए। पता चलने पर कई थानों की फोर्स पहुंचकर इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी कौशल राज वर्मा ने बताया कि इन सभी ईवीएम का चुनाव से संबंध नहीं है। सभी ईवीएम 10 मार्च को होने वाली मतगणना के लिए कर्मियों को बुधवार को दी जाने वाले ट्रेनिंग के लिए यूपी कॉलेज जा रही थी। चलिए देखिए वीडियो। एक छोटे से कन्फ्यूजन को लेकर हुई है। एक ईवीएम का छोटा पिकअप 20 ईवीएम को लेकर जा रहा था यूपी कॉलेज, और यूपी कॉलेज में कल 1000 कर्मचारियों का प्रशिक्षण है। काउंटिंग की सेकंड ट्रेनिंग कर्मचारियों की है, क्योंकि परसों यहाँ पे काउंटिंग होनी है। सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी जो काउंटिंग कराते हैं उनका फर्स्ट प्रशिक्षण इसी ईवीएम के माध्यम से उसी यूपी कॉलेज में हो चुका है। कल उनका सेकंड प्रशिक्षण था, और क्योंकि प्रशिक्षण के दौरान कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट की ज़रूरत पड़ती है जिससे वो गिनवाई करते हैं, उसी को लेकर वहाँ पर जो 20 ईवीएम का पिकअप जा रहा था उसको कुछ लोगों ने पकड़ लिया, घेर लिया, और ये स्प्रेड किया गया कि ये पोलिंग वाली ईवीएम है। जिला निर्वाचन अधिकारी कौशल राज ने बताया कि परीक्षण के लिए ईवीएम मंडी में स्थित अलग खाद्य गोदाम में बने स्टोरेज से यूपी कॉलेज जा रही थी, लेकिन कुछ राजनीतिक लोगों ने वाहन को रोककर उसे चुनाव में प्रयुक्त ईवीएम कहकर अफवाहें फैलाई। चलिए अब सुनते हैं हम प्रत्याशी से कि उनका इस मामले को लेकर क्या कुछ कहना है। कुछ तो बात है, अभी जब हम लोग को मालूम हुआ, सुन रह चुके हैं सांसद रहे हैं, हमारी बात सुन, बता रहा हूँ। हम जब डीएम से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि कैसे क्या किया जाए, तो मैंने उनको बताया, हमने कहा कि 12:30 बजे यहाँ मीटिंग थी, 12:30 बजे की मीटिंग में मैं था। यदि ये बताए होते कि ईवीएम मशीन ट्रेनिंग के लिए जाएगी तो बात समझ में आती। उन्होंने बताया क्यों नहीं, उन्होंने बताया नहीं कि ईवीएम मशीन ट्रेनिंग पे जाएगी। अब इसका रास्ता ये है, आप ईवीएम मशीन में दो नंबर होते हैं, ई और डी नंबर होते हैं जिन मशीनों से चुनाव हुआ है। पेपर नियम ये है कि वो दोनों नंबर हर कैंडिडेट को भेजा जाए पूरे विधानसभा का। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों और अपडेट्स के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। जय हिंद। देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज़।